जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है सी साइड प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग UPSC प्री 2024 के लिए सी सेट के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार के पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जल्द से जल्द सभी कोर्सेज को परचेस कर लीजिए जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आपको ऑफर का फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपने क्लास को। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वर को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया था और व्यंजन के भी वर्गीकरण को हमने समझा था। आगे यहाँ पर दिया उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। देखिए, व्यंजन का जो उच्चारण होता है इसके आधार पर उसे कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया, तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजन में क ख ग घ ट ठ ड फिर झ त थ द प फ ब भ, इसको याद रखिएगा। इसको मैंने बताया था, देखिए क से लेकर म तक इसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं जिनकी संख्या होती है 25, जिसे आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं क ख ग घ अंग, इसमें भी 5 अक्षर आते हैं च छ ज झ ञ, यहाँ पर भी 5 होते हैं ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न और प फ ब भ म। ये 5 को याद रखिएगा क्योंकि अभी आगे ही काम आएंगे, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, सभी होते हैं स्पर्श व्यंजन। और इनमें देखिए क जो है इसका उच्चारण स्थान है कंठ, इसका उच्चारण स्थान है तालु, इसका है मूर्धन्य, त वर्ग का है दंत और प वर्ग का है ओष्ठ। आपने ये सब पीछे देख रखा था। आगे यहाँ पर दिए स्पर्श संघर्षी, जो च वर्ग होता है च छ ज झ, इसको स्पर्श संघर्षी वर्ग का भी नाम दिया जाता है। तो बस इतना याद रखिएगा कि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी वर्ग का नाम दिया जाता है। संघर्षी देखिए स बड़ा स और खटकोर स, इन तीनों को हम लोग संघर्षी कहते हैं। तो संघर्षी व्यंजन कौन है, स स ख। पार्श्विक, पार्श्विक को कहते हैं ल, ल जो है इसका उच्चारण स्थान पार्श्विक होता है। तो कई बार क्वेश्चन बने कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन में आता है अंग, और यहाँ पे देखिए अंग लिखा है, यहाँ पे ड आएगा ड और ढ, है ना, ये होता है उच्छिप्त व्यंजन। अंतस्थ या अर्धस्वर य और व, ये होते हैं अनुनासिक। देखिए जितने भी पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर मैंने कहने का मतलब आप लिख रहे थे क ख ग घ अंग, तो इसमें लास्ट में अंग आया है, यहाँ पर ञ आया है, ये अड़ है, इसके बाद न और म, इसको पंचमाक्षर कहेंगे। ये जितने भी हैं इनका उच्चार ये अनुनासिक होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा किसी भी वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, पांचवें अक्षर होते हैं, इन्हें अनुनासिक कहते हैं। आप यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया, अंग इय अड़ न म, ये पंचमाक्षर व्यंजन अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में अपने वर्ग के वर्ण के साथ ही अनुनासिक पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, जैसे कंठ, दंभ आदि, किंतु हिंदी में प्रायः इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग बढ़ रहा है ना। देखिए ये बताया जा रहा है कि संस्कृत में ना अभी भी अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग बढ़ रहा है। अब देखिए उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अगर बात किया जाएगा, तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 4 तरीके से वर्गीकृत किया गया। सघोष, देखिए सघोष को घोष भी कहते हैं, यहाँ पे जो घोष लिखा है इसे सघोष भी पढ़ेंगे, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। देखिए सघोष और अघोष की अगर बात करेंगे तो इसका वर्गीकरण कैसे किया गया, किसी भी वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन को हमेशा अघोष कहते हैं। पहले दूसरे का मतलब जैसे देखिए क ख, ये अघोष है। इसके बाद आप च वर्ग में आएंगे तो च और छ, अब जब ज वर्ग में आएंगे तो देखिए ट वर्ग में आएंगे तो ट और ठ,
त वर्ग में आएंगे त और थ, फिर आगे प वर्ग में आएंगे तो प और फ, ये सब क्या, ये सब है अघोष। आगे सघोष या घोष की बात करेंगे तो तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन, जैसे देखिए क ख के बाद ग घ और अंग, इसी तरीके से ज झ इय, इसके बाद देखिए ड ढ न अड़ अड़, तो फिर आगे हो जाएगा द ध न, फिर यहाँ पर देखिए इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे ब भ म, तो जो तीसरे चौथे और पांचवें अक्षर होते हैं इन्हें हम लोग घोष कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए किसी भी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहले का मतलब क, तीसरे का मतलब ग और पांचवें का मतलब अंग, इसी तरीके से च वर्ग में आएंगे तो च ज और इय, जो पहला तीसरा और पांचवा अक्षर होता है इसे अल्प प्राण कहा जाता है, इसके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलता है, और जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है इसको महाप्राण कहते हैं, जैसे देखिए ख और घ, ये क वर्ग का है, फिर आगे देखिए छ और आप लिखेंगे आगे झ, ये च वर्ग का है ना, तो इसी तरीके से किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा अक्षर होता है इसे महाप्राण कहते हैं। आगे दिए पेशी तनाव के आधार पर, तो पेशी तनाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया कुल दो तरीके से, कठोर और शिथिल। देखिए अघोष और महाप्राण व्यंजन है तो इनको कठोर कहते हैं, घोष और अल्प प्राण है तो इनको सघोष सॉरी शिथिल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कठोर क्या होता है, जो अघोष और महाप्राण है उसे कठोर कहेंगे, घोष या सघोष और अल्प प्राण है उसे शिथिल कहेंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया विसर्ग के बारे में, देखिए विसर्ग का यहाँ पर चिन्ह दिया गया, विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है याद रखिएगा, और इसका उच्चारण ह के समान होता है। देखिए विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में पाया जाता है, फिर भी हिंदी में इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे प्रातः, देखिए लास्ट में ह का उच्चारण आएगा प्रायः, अंतःकरण दुख है ना, तो इसमें ह का उच्चारण बनता है। चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु की बात करेंगे, चंद्रबिंदु इस प्रकार से बना होता है, यहाँ पर दिया हिंदी की यह अपनी ध्वनि, देखिए चंद्रबिंदु हिंदी की ध्वनि है, यह संस्कृत में नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, चंद्रबिंदु संस्कृत में नहीं मिलेगा। इसके उच्चारण के समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। चंद्रबिंदु युक्त शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित, जैसे गांव, पांव, बांध, आंगन, जब आप इन सबको शुद्ध रूप से बोलेंगे तो मुख और नाक दोनों से ध्वनि या हवा निकलेगी। हलंत की बात करेंगे, हलंत नीचे आपने पीछे देख रखे थे कि ये ऐसे नीचे लगा होता है, मान लीजिए यहाँ पे क लिखा है, क के नीचे हलंत लगा है, तो आपने पीछे देखा है कि वर्ण की जब बात करते थे इसमें व्यंजन जब भी शुद्ध रूप में लिखा जाता है तो वहां पर हलंत लगा होता है। देखिए जहां दो वर्णों को जोड़ने में असुविधा होती है वहां हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है पद्मा, देखिए आप यहाँ पे पद्मा को ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसमें आधा द नहीं लिख सकते, जैसे देखिए यहाँ पे पट्ठा लिखा है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पट्ठा है ना, अब जैसे बुढ़ा लिखा है तो आप इसको लिखेंगे बुढ़ा है ना, तो आप यहाँ पे हलंत भी लगा सकते हैं जहाँ पे शब्दों को जोड़ने में दिक्कत होती है। अब जैसे ऐसे समझिए, अगर आपको कन्या लिखना है तो आप सीधा ऐसे कन्या लिखेंगे है ना, पुण्य देखिए तो यहाँ पे आप इसको लिख लिया आपने ऐसे, जैसे तत्व लिखना है तो आप ऐसे तत्व लिखेंगे, लेकिन अगर ये जोड़ने में दिक्कत होता तो आप क्या करते, आप हलंत का प्रयोग करते। और आगे यहाँ पर दिया हलंत के बाद देखिए रेप, ये हम लोगों ने देखा था जिसे कि उड़न्तु र या फिर ऊपर लगा हुआ र कहते हैं, इसे रेप कहते हैं, जैसे देखिए यहां पे दिया है कि रेप का चिन्ह ऐसा होता है ना, जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है उसे रेप कहते हैं, जैसे गर्म, धर्म, कर्ज, वर्ल, इसे रेप कहा जाता है, तो आप आगे से याद रखिएगा कि ये जो र होता है इसे रेप कहते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्र दिया है, चंद्र बिंदु नहीं चंद्र दिया है, यहाँ पे कुछ शब्दों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, यह बिंदु रहित चंद्र होता है, देखिए यहाँ पे जैसे चंद्र बिंदु ऐसे बनेगा, इसमें बिंदु भी होता है ना, लेकिन जो चंद्र होता है वो सिर्फ ऐसे बनेगा है ना, इसका उच्चारण औ के समान या फिर आ के, देखिए आ के समान नहीं औ के समान होता है ना, ये अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग कैसे, देखिए नॉलेज है ना, इसको आप पढ़ेंगे नॉलेज है ना, ऐसे पढ़ेंगे नॉलेज है ना, हल्का सा ओ का साउंड आएगा, इसको नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, इसे डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर, अब बोल के देखिए डॉक्टर न के डॉक्टर है ना, इसको ऑफिस नहीं कहते, ऑफिस नहीं ऑफिस है ना, आपने ये सब शब्दों का उच्चारण जरूर किया होगा। तो देखिए दोस्तों ये वर्ड के बारे में कुछ जानकारी रही, इसके आगे विराम चिन्ह दिया, तो विराम चिन्ह की भी थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, भाषा विज्ञान को सही अर्थों में सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से विराम चिन्ह का अतिशय महत्व है, इन चिन्हों की सहायता से किसी भी वाक्यांश का भाव स्पष्ट हो जाता है। देखिए अगर आप विराम चिन्ह सही जगह पर प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे कुछ आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखिए जैसे यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिए रोको, फिर यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया है ना, और मैंने लिखा है मत जाने दो, ये एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, ये एक सेंटेंस ऐसे लिखा गया है ना, आगे मैं कॉमा का पोजीशन चेंज करता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया रोको
मत जाने दो, मत लिखने के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमा लिखा फिर लिखा है जाने दो। अब देखिए दोनों को पढ़ो, आप इसको बोलेंगे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे पता है आप क्या कहना चाहते हो, उसे रोकना है, उसे जाने नहीं देना है, रोको मत जाने दो। अब यही मैंने बोला रोको मत जाने दो, है ना, जब रोको मत जाने दो बोला गया तो इसका अर्थ बदल गया, इसका अर्थ है ना कि रोकना नहीं है, उसे जाने देना है, छोड़ देना है, इसका अर्थ है कि उसे रोकना है, छोड़ना नहीं है। तो विराम चिन्हों की बात करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है हिंदी में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। परिभाषा और आवश्यकता यहाँ पर दिया, शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बस आप ऐसे सीधा से इतना याद रखिएगा कि कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वही विराम चिन्ह है। अर्थात किसी वाक्य अथवा वाक्यांश का उच्चारण करने में अर्थ और भाव की भिन्नता के अनुसार जीवा को कुछ ठहराव के साथ साथ कहीं विश्राम करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा विश्राम होगा। जैसे देखिए रोको मत जाने दो, आपने ये कहा, रोको मत जाने दो, आपने ये कहा है ना। फिर आगे दिया लेख इत्यादि में विश्राम को सूचित करने के लिए भांति भांति के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। अब अलग अलग चिन्ह होते हैं, वही विराम चिन्ह है। देखिए यहाँ पे अब विराम और रचना के बारे में कुछ चीजें बताएगी। देखिए चिन्ह वाक्य में पद वाक्यांश और खंड वाक्य के पारस्परिक संबंध को सूचित करने के अतिरिक्त अर्थों में भी विविध स्पष्टता लाते हैं या फिर इन्हें स्पष्ट करते हैं। कभी कभी विराम चिन्ह के अभाव में वाक्यार्थ ही समझ में नहीं आता है और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे यहीं पर अगर विराम न लगाया जाए, खाली लिख दिया जाए रोको मत जाने दो, कोई चिन्ह नहीं है, तो कैसे पता चलेगा आप कहना क्या चाहते हैं, है ना। इन कारणों से विराम चिन्ह के उपयुक्त स्थानों पर प्रयोग और अभ्यास करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखिए रचना दिया है ना, रचना के बारे में दिया, सौंदर्य महत्व और अभिप्राय। वैसे तो हिंदी का निजी विराम चिन्ह केवल पूर्ण विराम है। देखिए हिंदी का जो निजी विराम चिन्ह है इसे खाली पूर्ण विराम चिन्ह ये है ना। प्राचीन काल में संस्कृत में इसी का प्रयोग होते रहने के कारण हिंदी में विराम चिन्हों का बहुत समय तक बना रहना मुद्रण यंत्रों के प्रचार, मुद्रित पुस्तकों के व्यवहार और अंग्रेजी शैली के संबंध में विकसित होने पर हिंदी में कई विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा। अंग्रेजी विराम चिन्हों की देखा देखी आजकल हिंदी के वाक्यों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के विराम चिन्ह प्रयुक्त होने लगे हैं। यह आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि लेखों में जब तक इनका प्रयोग उचित रूप से नहीं होता है तब तक रचना का सौंदर्य महत्व और अभिप्राय भली भांति समझ में नहीं आता है। विराम चिन्हों के प्रयोग में व्याकरण के भिन्न भिन्न मत हैं और अभिलेख शैलियों में भिन्नता होने के कारण प्रयोग स्थानों के निर्धारण में भी उनमें मतभेद है, किंतु उस मतभेद से विराम चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता का कोई क्षति नहीं पहुँचती। देखो ये इतना जो डेटा लिखा है ना ये बताना चाहता है कि जो हिंदी के विराम चिन्ह हिंदी में अंग्रेजी से आए हैं, है ना। पहले हिंदी में ज़्यादा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता था, अंग्रेजी में होता था, अंग्रेजी से देखा देखी हिंदी में भी आ गए, लेकिन आज इसकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसके बिना अर्थ स्पष्ट होता ही नहीं है। तो दोस्तों विशेष प्रकार के विराम चिन्ह क्या है, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया ये विराम चिन्हों के प्रकार की बात किया गया, ये कुछ विराम चिन्ह लिखे गए, तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इन चिन्हों का विशेष महत्व क्या होता है और हिंदी में इन्हें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप देखते समय पेन कॉपी के साथ बैठा कीजिए, जहाँ पर आवश्यकता पड़े आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।